हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 33 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी इनके जानेंगे आंसर को किस तरीके से अपने को अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। कॉम्पिटेंसी, यूज एडजेक्टिव्स अप्रोप्रिएटली। आपको एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो विशेषण जिनको बोलते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। सर्किल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी एडजेक्टिव फॉर द पिक्चर। आपको उस वर्ड के ऊपर क्या करना है, सर्किल बनाना है जो जिस चीज़ की, यानी जो पिक्चर्स दे रखी है उनकी विशेषता बताते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे एक फैमिली के मेंबर बन जाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमें भी हौसला मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। तो शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स दिखाई दे रही है जिसमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है ब्लैक और यहाँ लिखा है कलरफुल, तो इसको कलर है, ये क्या हो गया कलरफुल, तो इसको क्या कर रखा है, सर्किल कर रखा है। यहाँ पे नाइफ यानी चाकू दिखा रखा है, चाकू कैसा होता है, तेज़ होता है या ब्लंट होता है, शार्प होता है, तो शार्प क्या होता है यानी तेज़, तो इसको क्या करेंगे अपन, सर्किल कर देंगे। ये यहाँ पे जो दिखाई दे रही है क्या है, सॉफ्ट है या हार्ड है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है। अगर इसको अपन क्या माने, यानी गद्दा है, तो गद्दा कैसा होता है यानी सॉफ्ट होता है, तो इसको सॉफ्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एक बल्ब दिखाई दे रहा है, तो बल्ब क्या, बल्ब में क्या दे रहा है, डार्क अंधेरा कर रहा है, रोशनी कर रहा है, ब्राइट है यानी चमक रहा है, तो करना है आपको ब्राइट। नेक्स्ट है ये डॉग है, डॉग का कलर कैसा है, रेड है ब्लैक है, रेड है तो रेड। यहाँ सॉफ्टी दिखाई दी है, सॉफ्टी कैसी होती है यानी स्वीट होती है या खट्टी होती है, मीठी होती है खट्टी होती है, स्वीट होती है, तो स्वीट को क्या करना है यानी आपको सर्किल करना है। नेक्स्ट है यानी एक व्यक्ति है जो बच्ची के ऊपर यानी अपने कंधों के ऊपर उठा रखा है, तो ये कमज़ोर है या मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कप में चाय दिखाई दे रही है, तो चाय कैसी होती है, कोल्ड या हॉट, हॉट होती है यानी गर्म है, तो हॉट को करना है। ये यहाँ पे नींबू के पीसेज पड़े हैं, तो वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं, तो खट्टे होते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, इसको सर्किल कर देंगे, शोर को। नेक्स्ट है एक व्यक्ति दिखाया गया है जो क्या है, काफ़ी मोटा है, तो मोटे को क्या बोलते हैं, फैट। ये जो इमोजी दिखाई दे रही है ये क्या है, यानी हंसी की इमोजी है, यानी खुशी व्यक्त कर रहा है, तो हैप्पी। फिर एरोप्लेन है, तो ये क्या है, स्लो चलती है या तेज़ चलती है, तो आप सभी को पता है एरोप्लेन तेज चलती है यानी फास्ट, तो इसको क्या कर देंगे अपन, सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34। कॉम्पिटेंसी, लिसन्स टू ए स्टोरी एंड आइडेंटिफाइज द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। आपको अच्छे से स्टोरी को सुनना है और फिर उसके बाद में आपको पहचानना है यानी किस, इनके सीक्वेंस को यानी किस तरीके से इनको रखना है। लिसन टू द स्टोरी फ्रॉम द टीचर। जैसे पवन वाज ए नोटी बॉय, पवन है वो एक शरारती लड़का है। वन डे, एक दिन पवन हिट ए डॉग विद हिज बैट, यानी एक दिन पवन ने क्या कर दिया, हिट कर दिया डॉग को, यानी अपने बैट से मारा। द डॉग गॉट एंग्री, अब डॉग को क्या हो गया, गुस्सा हो गया, एंड कैम आउट, और बाहर आ गया। पवन ट्राइड टू रन बट, यानी पवन अब क्या कर रहा है, यानी दौड़ रहा है, बट डॉग बिट पवन, अब डॉग ने क्या कर लिया, पवन को काट लिया। एट द एंड, और अंत में पवन फेल एंड स्टार्टेड क्राइंग, अब पवन क्या है, गिर गया और रोने यानी चिल्लाना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फिर लिखा गया है राइट द नंबर 1, 2, 3, 4 इन द बॉक्स टू सीक्वेंस द स्टोरी। अब नीचे पिक्चर्स दिखाई गई है, उस पिक्चर्स को क्या करना है यानी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे ये पिक्चर है, सबसे पहले उसने क्या किया, यानी सबसे पहले उसने उस के क्या लगाई, छड़ी लगाई, किसने यानी एक नंबर पे क्या लगाएगा, उसको डराया धमकाया, किसको, कुत्ते को, एक नंबर पे। उसके बाद में वो कुत्ता क्या हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है, तो ये दो नंबर पे आ जाएगा। फिर वो बाहर आने के बाद उसके पीछे दौड़ता है और उसको क्या कर लेता है, काट लेता है, तो ये तीन नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में वो गिर जाता है और रोने लग जाता है, तो ये चार नंबर पे आएगा। तो आपको ऐसे करना है, यहाँ एक नंबर लिखना है, यहाँ दो, यहाँ तीन नंबर, और यहाँ चार नंबर डालना है, बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही आपको इसमें काम करना है। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 35। कॉम्पिटेंसी, रिकोगनाइज लेटर्स एंड देयर साउंड्स। आपको वर्ड्स, लेटर को पहचानना है, देयर साउंड्स, इनके साउंड के अकॉर्डिंग। से द नेम ऑफ ईच पिक्चर, यानी आपको प्रत्येक पिक्चर का क्या करना है, नाम बोलना है। एंड राइट द लेटर दैट मेक्स द बिगनिंग साउंड ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स। आपको जो बिगनिंग साउंड्स होता है उस
क्या करना है, ईच ऑफ दीज वर्ड्स, उनका वर्ड्स लिखना है यानी लेटर लिखना है। कैसे, जैसे इसको अपन बोलेंगे क्या है ये, कॉम, क्या है कॉम, तो इसका फर्स्ट बिगिनिंग जो लेटर होता है वो होता है सी, कॉम। यानी कॉम का अपने को सिर्फ क्या लिखना है, फर्स्ट लेटर लिखना है। उसके बाद में ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है टीथ, तो टीथ की आप सभी को पता है टीथ, तो अपने को फर्स्ट लेटर लिखना है टीथ। ये है ईयर, तो अपने को फर्स्ट लेटर लिखना है ई, ईयर, यानी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। उसके बाद में है ये डियर, यानी हिरन, तो आपको डियर, तो आपको क्या करना है, डी लिखना है। फिर ये है ब्रश, तो ब्रश बी आर यू एस एच ब्रश, तो आपने लिखा बी। फिर ये हैन है, तो एच ई एन हैन, आपको बिगनिंग लेटर लिखना है यानी एच। उसके बाद में ये बंदूक है यानी गन, तो आपने यहाँ पे लिखा जी गन। उसके बाद में टब, तो आपने लिखा टी। ये है नेट यानी जाल है, तो आपने लिखा एन, यानी जो बिगनिंग लेटर है वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये तीनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते जाते चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।